हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। तो मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ। मतलब ऐसे तो रेगुलरली 7 बजे उठती हूँ, ठंड के दिन में 7 बजे ही सुबह होती है मेरी, और आज मैं उठ गई हूँ 6 बजे ही। और ये देख लो, सब कोई सो रहा है, मतलब यीशु भी सो रही है अभी तक, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ फाइनली अपने मायके। तो मुझे कहाँ नींद आने वाली है। तो या गाइस, मेरी तो नींद आज सुबह ही उठ गई थी, तो मैं उठ गई, इन दोनों को सोने दिया मैंने। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, बेड पे लेटने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी मुझे आज जल्दी रेडी भी होनी थी, 9 बजे तक भाई आ जाएगा। रूम मेरा पूरा मैसी है, तो फिलहाल मैं जा रही हूँ किचन, देख लूँगी कि किचन में कुछ काम है तो वो सब मैं कर लूँगी, उसके बाद ही जाऊँगी। तो यहाँ पे दीदी आके काम कर रही थी मेरा, तो उसके बाद मैंने भी कुछ मदद कर दिया और आ गई हूँ ब्रश करने, क्योंकि मम्मी मुझे बोली कि तुम जाके जल्दी से रेडी हो, मैं खाना बना लूँगी। तो मैं तो अपना खुद का पैकिंग और रेडी वगैरह में लग गई। तो सबसे पहले तो चाय तो ज़रूरी ही होती है, तो चाय मैंने पी लिया है सबसे पहले, क्योंकि बिना चाय पिए तो ठीक लगता ही नहीं है आजकल। और उसके बाद मैं आ गई हूँ नेल पेंट करने के लिए, क्योंकि मैंने नेल भी पेंट नहीं किया था और ये मैं लास्ट में देखी हूँ, मतलब अपना नेल की मैंने अभी तक पेंट ही नहीं किया था। तो मैं अभी यहाँ पे बैठ के नेल पेंट कर रही हूँ, बस डर है कि कहीं मेरा नेल पेंट उखड़ने ना लगे, छूट ना जाए, क्योंकि अभी मुझे बहुत काम करना था, ड्रेस पहनना था, यीशु को तैयार करना था। बट मेरे पास इसका भी एक उपाय है, जो कि मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ, कि एक कटोरे पानी में 5 मिनट तक उंगली डिप करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। गाइस, मैंने कलर कर लिया है और बस छूटे नहीं, जब तक मैं फ्रेश होके आऊंगी तब तक ये सूख भी जाएंगे। और फिलहाल मैं दिखाती हूँ गाइस कि मैं कौन सी चूड़ियाँ पहनूंगी, फ्रेश होके आऊँगी उसके बाद ही चूड़ियाँ पहनूंगी, नहीं तो अभी पहन लूँगी और जब फ्रेश होने जाऊँगी तो पानी में तो वैसे भी ख़राब हो जाती है चूड़ियाँ। तो मैं ये रेड वाली चूड़ी पहन रही हूँ, क्योंकि मैं रेड कलर का साड़ी भी पहन रही हूँ, तो ये रेड वाली चूड़ी पहन रही हूँ। इसमें कांच की चूड़ियाँ मैच करके पहनूंगी, जो कि ये है यहाँ पे, बस बाहर में भी 4 है, अभी और पहनूंगी इसके साथ मेरा बैग, और ये रेड वाली साड़ी मैं पहन के जाऊँगी। गाइस, मैं आ गई हूँ फ्रेश होके फिलहाल, उसके बाद अब मैं रेडी होने जाऊंगी और यीशु को मैंने पीछे रेडी कर रखा है, देखो। और मैंने इसे इसीलिए रेडी किया क्योंकि देख लो इसका नाटक शुरू हो गया। मैंने उसे बाहर भेज दिया है और उसके बाद मैंने उसे इसीलिए पहले रेडी करके रखा ताकि मैं शांति से रेडी हो सकूं, नहीं तो अगर इसे रेडी करके मैं नहीं रखती तो ये तो मेरा जीना ही मुश्किल कर देती। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ रेडी होने गाइस, सो कीप वॉचिंग माई ब्लॉग। सो गाइस, मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है, तो ये रेड कलर की साड़ी मैं पहन के जा रही हूँ एंड आई लव रेड कलर, मतलब मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। अधिकतर लोगों को रेड कलर पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे मतलब सिर्फ यूनिक चीज़ें ही पसंद आती है, मुझे रेड ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पास अधिकतर साड़ियाँ रेड ही है, तो ये सिंपल एंड एलिगेंट साड़ी है तो मैंने यही पहना है, और मेरा मायका ज़्यादा दूर नहीं है, तो फिलहाल मैं ड्रेस वगैरह पहन के रेडी हो गई हूँ और बस थोड़ा सा मेकअप करना है, ज्वेलरी थोड़ी सी पहननी है बस, उसके बाद रेडी हो जाऊँगी फाइनल। जब मैंने पायल पहनी तो मुझे याद आया कि नहीं, यीशु की भी एक पायल है। जब यीशु छोटी थी तो उस टाइम इसकी दादा दादी ने दिया था ये पायल, तो उस टाइम तो बड़ी होती थी, तो मुझे याद आया कि नहीं अब आ जाएगी इससे, तो इसे मैंने उसकी पायल भी पहना दी, ये देख लो। और उसके बाद शूज भी पहना दिया तो पायल तो चुप ही गया, मतलब कोई उसका काम आया ही नहीं पायल का। और फाइनली मैं भी रेडी हूँ, पूरी तरीके से रेडी हूँ, और बस एक शॉल निकालना था मुझे, और लास्टली मैं सिंदूर लगा रही हूँ। एक्चुअली मैंने सिंदूर पहले ही लगा लिया था और भाई भी आ गया था, ये देखिए, तो सारा सामान नीचे भी चला गया है। सो गाइस, चलते हैं अब जल्दी से, सामान सारा नीचे चला गया है। मैं आई हूँ अपना पर्स लेने के लिए, मेरा पर्स। Oh, 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 oh,
और अब मैं फिलहाल जा रही हूँ कोयचा लेने, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि हम जब भी ससुराल से मायके जाते हैं और मायके से ससुराल जब भी आते हैं, एक लड़की जब भी आती है बहू, तो अपने साथ कोयचा ले जाती है। जैसे कि मैं ससुराल से मायके जा रही हूँ, तो अभी मैं, मेरी सासू माँ मुझे कोयचा देंगी जहाँ हमारा कुल देवी का मंदिर है वहीं पे, और उसके बाद मैं अपने मायके में जाके वो कोयचा को झाड़ूंगी। तो ये हमारे यहाँ का नियम है गाइस। बहुत कोई के यहाँ पे आप लोगों ने देखा भी होगा, और बहुत कोई के यहाँ पे नहीं भी होता है, बट हमारे यहाँ ये होता है। सो मैं जा रही हूँ अभी कोयचा लेने के लिए। और तो भैया गया है दूसरे रास्ते से बुलाने के लिए भी फिलहाल, और मुझे दिखाई दे रही है आंटी भी आ रही है। तो आंटी आगे आगे है, तो आंटी मुझे यहाँ पे सिंदूर देंगी, उसके बाद कार के चक्के में पानी दिया जाता है, तब जाके मैं उतरूंगी यहाँ पे। तो आंटी मुझे यहाँ पे टीका लगा रही है, ईशु को भी टीका लगा रही है, और पीछे मम्मी पानी लेके खड़ी है, वो मम्मी टायर पे देगी, उसके बाद गाइस चलिए चलते हैं अपने मायके के अंदर। और मायके में आने के बाद मेरी फेस पे आप स्माइल देख सकते हो, मतलब स्माइल तो मेरी रुकी नहीं रही थी। और चलिए चलते हैं अब घर के अंदर। तो मैं अब आके ब्लॉग अभी नहीं शूट कर पाऊंगी, रात हो चुकी है, सॉरी मैं सुबह से नहीं दिखा पाई, और मम्मी बिजी है, पीछे डिनर की तैयारी मम्मी कर रही है, और मैं सुबह से ज्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि आने के बाद फिर बहुत सबसे मिलना जुलना खुशी वगैरह होती है, तो उसमें वीडियो करना मुझे अच्छा नहीं लगा। और आने के बाद मैंने अभी बनाया है शाम को नाश्ता, जो कि है चाउमीन, तो मैं और भैया दोनों साथ में खा रहे थे। ये देखो इधर भैया खा रहा है, इधर मैं खा रही हूँ, और ईशु तब से भैया के साथ खा रही है। एक्चुअली मेरा भाई बहुत ही ज्यादा हाइजीन मेंटेन करता है, वो बाहर का खाना कुछ भी नहीं खाता, तो जब मैं जब भी आती हूँ तो मैं उसे अच्छे अच्छे फास्ट फूड वगैरह आइटम बना बना के खिलाती हूँ, और उसे मेरे हाथों का बहुत अच्छा लगता भी है। तो चलो गाइस अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग लाऊंगी जो कि बहुत ही अच्छा होगा, गौना का ब्लॉग लाऊंगी। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।